व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लवर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज ए सक्सेस। ये आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर, जो IPL की अभी जीत हुई यहाँ पर मुंबई इंडियंस की, किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर इनके द्वारा ये मैच जीते गए। और ये जिस तरीके से पास्ट में भी अगर आप लोग देखेंगे, काफी अच्छे तरीके से इनके द्वारा यहाँ पर ये मैच खेले गए हैं। तो फोर्थ टाइटल था इनका जो कि जीता है इन्होंने हराकर चेन्नई सुपर किंग को। तो इनके बारे में आप लोग से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग की सबसे फेवरेट टीम कौन सी थी और किस किस ने ये फाइनल मैच देखा है? तो देखिए, आगे आने वाले टाइम में, अभी यहाँ पर IPL खत्म हुआ है, अब आगे आने वाले टाइम में आप लोगों का वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। तो कोशिश ये कीजिए कि ज्यादा टाइम वेस्ट न कर कोशिश ये कीजिए कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ लीजिए, या फिर आप लोग जो कोई फेवरेट आप लोगों की टीम है उसका मैच देख ले कीजिए। ये इससे ज्यादा चीजें मत कीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। पर लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ये IPL अभी जीता गया है, किसके द्वारा जीता गया, किसको हरा कर जीता गया, कौन से नंबर का टाइटल था, ये तमाम मुद्दे ऐसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ पर IPL अभी न्यूज में था। पुलवामा अटैक हुआ तो उस टाइम पर भी हेल्प की गई काफी वहां पर, पुलवामा अटैक में जो शहीद थे उनकी फैमिलीज को यहाँ पर IPL के द्वारा। तो इसलिए क्वेश्चन कई सारे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जो आप लोगों का मैच बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्लोवाकिया जाकर मैच पे नहीं हारेगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस छोटे से क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर बात की जा रही है कि वर्ल्ड में अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखेंगे, 70% इकोनॉमी ऐसी है जो कि ढंग से अपनी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं दे पा रही है। इसी की वजह से बोला गया था जो वर्ल्ड की GDP ग्रोथ है वो घटकर 3.3 आ गया, जो कि पहले 3.5 हुआ करता था। और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये बोला जाता है ईरान न्यूक्लियर डील का शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसका जो ऑफिशियल नाम है वो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात की जा रही थी, जो कि नॉर्मली मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके ऊपर देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर टोटल 10.3 ट्रिलियन NPA है तो 8.3 ट्रिलियन यहाँ पर आप लोगों को पब्लिक सेक्टर बैंक पर देखने को मिलेगा। 11.2% है अगर, तो यहाँ पर आप लोगों को जो 11.2% यहाँ पर जो एडवांस अभी देखने को मिल रही है चीजें इससे रिलेटेड, यानी कि या तो इतना या फिर इतना, तो इसका मैक्सिमम जो 86% है वो आप लोगों को जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका पब्लिक सेक्टर बैंक पर पड़ता हुआ नजर आया, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था सैटरडे में। इसी के साथ में अगर बात करें एविएशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पर बात की गई थी कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक का जो कई सारे जो मोस्ट अफेक्टेड इंपैक्ट डालने वाले जो फील्ड थे उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो इनमें से एविएशन यहाँ पर रह गया था, यानी कि ये वो सेक्टर है जिसे माइनिंग, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन, ये लगभग 86% यहाँ पर 5 सेक्टर यहाँ पर काउंट करते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक का इंपैक्ट पड़ता है। ये सेक्टर ढंग से काम नहीं कर रहे और लोन लेने के बाद तो फिर वो NPA बन गया, तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, खासकर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारी कंट्री में काम नहीं कर रहे थे। फोनी साइक्लोन की बात करें तो चिल्का लेक पर काफी इंपैक्ट इसका देखने को मिला, तो ये 4 नए माउथ इसके क्रिएट हो गए चिल्का लेक के फोनी साइक्लोन की वजह से। क्राउड फंडिंग की हेल्प से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है म्यांमार के अंदर, जो कि काफी बड़ी बात है, ये इनके जनता आगे आ रही है हेल्प करने के लिए, ये आप लोग बोल सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, काफी शानदार आर्टिकल है, एक एक कर देखेंगे। अगर लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक या फिर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में, जो कि रिजर्वेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कई सारे एंगल डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। ये बात कर रहा है ईरान और USA की जो तिकड़मबाजी अभी बन रही है, यूरोपियन जो कंट्री है किस तरीके से उनको यहाँ पर अभी स्टेप उठाना चाहिए, वो तमाम मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट GDP से रिलेटेड बात की जा रही है, कुछ कंपनीज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में बात की जा रही है, तो कुछ पॉइंट है आप लोगों के लिए जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हल्का सा नजर इसके ऊपर भी डालेंगे। आज है मंडे को आर्टिकल देखने को मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। ये बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, खासकर किस तरीके सिटीज के अंदर आज के में कंडीशन बन रही है, तो नजर डालेंगे। ये है डेटा पॉइंट, ये आर्टिकल यहाँ पर आ रखा है, ये आर्टिकल बात कर रहे हैं यहाँ पर श्रीलंका में जो भी एक्टिविटी देखने को मिली अभी रिसेंटली, बॉम्बार्डमेंट जो देखने को मिली, देखिए कई सारी बातें नहीं निकल कर आ रही है, अभी आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बोला गया है कि जो उनको ट्रेन किया गया वो वहां पर सऊदी अरेबिया में ट्रेन किया गया, कई सारे लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि काफी दिनों तक ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर और हमारी कंट्री में कई सारे एरिया में
भी ये लोग यहां पर रहे। और इसी के चलते अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आई है जिसमें ये बोला गया है कि ISI की अगर बात करें आप लोग ISIS तो ये हमारी कंट्री में भी अपना बेस बना चुके हैं। तो ऐसे भी खबर देखने को यहां पर मिल रही है। तो ये जो फिनोमिनन चल रहा है इसमें ये बोला गया राइटर के द्वारा कि मिलजुलकर ऑल ओवर वर्ल्ड अगर काम करेगा इन सब सिचुएशन से टैगल करने के लिए तो तभी यहां पर सॉल्यूशन निकलेगा, वरना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में हो चुकी है। ओके, और नेक्स्ट यहां पर सेवंथ फेज बच गया, छह फेज के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी यहां पर देख सकते हैं आप लोग, बात यह की जा रही है कि देखिए अब की बार जो है ना, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, उन चीजों पर फोकस नहीं किया जा रहा है कि क्या करना है, इंप्लॉयमेंट कहां से करना है, इकोनॉमी को कैसे लेकर चलना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, किसान पर कैसे फोकस देना है, वुमेन सिक्योरिटी कैसे बात करनी है, कहां से ज्यादा जॉब क्रिएट की जा सकती है, वो सारी बातें साइड में रखते हुए ब्लेम गेम चल रहा है। पुराने जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनको ब्लेम किया जा रहा है। तो यहां पर अभी देखते हैं, एक साइड में यहां पर अमित शाह जी हैं, दूसरे मोदी जी हैं। तो बात यहां पर यह की जा रही है कि क्या कोई और बचा हुआ है अभी ब्लेम करने के लिए। तो इन्होंने बोला कि बस आप बच गए अब सातवें फेज के लिए, अपने आप को ब्लेम कर लीजिए, पुराने सारे प्राइम मिनिस्टर को आप ब्लेम कर चुके हैं, यानी कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरे चले गए भैया, वो हिस्ट्री हो चुकी है, उनको क्यों गालियां दे रहे हो कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। गलत किया उन्होंने जो भी किया, अगर आप लोगों को लग रहा है गलत किया तो उनको छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट किया जा रहा है उनके ऊपर। आप अपना टाइम उसमें यूटिलाइज करो ना कि आगे क्या करना है, अभी आपने क्या किया उसके बारे में बात करो, आगे क्या करने वाला है, जो काम में कमी रह गई उसके बारे में बात करो। मतलब गालियां दी जा रही है पुराने लोगों को, उसमें क्या फायदा होने वाला है और क्या निकल के आने वाला है, मुझे तो ये समझ में आया नहीं। अब देखते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पर कंडीशन होती है, पर लेकिन जो भी है एक डेवलपमेंट ओरिएंटेशन के थ्रू अगर काम चलता तो वो ज्यादा बेटर रहता, ब्लेम गेम में जो काम चल रहा है इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता आज के डेट में समझदार हो गई है और ये हरकतें आज के डेट में समझ रही है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में, आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है। ईरान के द्वारा जो अभी डिसीजन लिया गया है कि बोला गया है वो ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएंगे, वो एक तरीके का यहां पर एक तरीके से वार्निंग है, वो निकलना नहीं चाह रहा है पर लेकिन वार्निंग दे रहा है, क्योंकि जब से यहां पर यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकला है तब से सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर काफी खराब हो गई है ईरान के अंदर। तो ईरान चाह रहा है कि जो बचे हुए कंट्री है वो इसका हेल्प करें, इसलिए यहां पर इसके द्वारा ये इस तरीके की वार्निंग दी गई है। यहां पर ये कोई ऐसा नहीं है इससे बाहर निकलने का इसका मन है, ऐसा कुछ यहां पर बोला गया क्वेश्चन में। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। सबसे पहले ईरान की लोकेशन देखिए, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, ये हो गया यहां पर ईरान, इधर हो गया पर्शियन गल्फ और उधर हो गया यहां पर कैस्पियन सी, ठीक है, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान, तुर्की, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। यहां से अगर आप लोग अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करेंगे, ये होगी हमारी लोकेशन और यहां से आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है ईरान, यहां पर हम लोग चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं जो कि अफगानिस्तान से हमारी अच्छी कनेक्टिविटी बनाने का काम कर रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, तो इसको P5+1 डील भी बोला जाता है। P5+1 में पांच तो परमानेंट मेंबर और एक था जर्मनी, परमानेंट मेंबर आप लोग जानते हैं यहां पर यूएसए, फ्रांस, रसिया और चाइना, ठीक है। तो ये पांच परमानेंट मेंबर है, इसमें से यूएसए बाहर निकल गया। आज की डेट में P4+1 यहां पर रह गए, यानी कि चार मेंबर बिना यूएसए के और एक जर्मनी। तो आखिर क्या हुआ था, बराक ओबामा जी के टाइम पे एक डील साइन की गई थी जिसमें ये बोला गया था कि आप लोगों को जो एनरिचमेंट कर रहे हैं वो आप लोगों को कम करना है, सेंट्रीफ्यूगल जो आप लोगों का यहाँ पर नंबर चल रहा है वो आप लोग घटाना है ताकि आप लोग न्यूक्लियर बम नहीं कर सकें। अगर ये इस प्रोसीजर पर चलते रहे थे 2-3 महीने के अंदर न्यूक्लियर बम बना लेते, पर लेकिन इसको घटाकर बिल्कुल खत्म कर दिया है और कोई पात यहां पर नहीं बचता है न्यूक्लियर बम का। यानी कि बिना डील के अगर चला जाए तो ईरान को 3-4 महीने लगेंगे न्यूक्लियर बम बनाने में, और डील के साथ चला जाए तो कभी भी ये न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा। ये जो डील साइन की गई थी बराक ओबामा जी के टाइम पर साइन की गई थी, और ये इसीलिए साइन की गई थी ताकि जो न्यूक्लियर बम नहीं बना सके ईरान, और पर्टिकुलर रीजन में शांति बनाकर रखी जा सके। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये चीजें सुहाई नहीं, क्योंकि वो अपने जो पार्टनर दोस्त है, खासकर इसराइल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उनकी आंखों में अच्छा बनने के लिए और कुछ डिफरेंट करने के लिए ये सारी हरकतें यहां पर ये करते हुए आ रहे हैं। वरना काफी लंबे जद्दोजहद के बाद में बराक ओबामा जी के द्वारा ये डील साइन की गई थी जिससे ये जरा सी देर में बाहर निकल गए, तो अब उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या बढ़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, हसन रूहानी जी जो कि यहां पर प्रेसिडेंट बनकर आए, हसन रूहानी जी के द्वारा यहां पर जनता को समझाया गया कि अगर हम लोग शांति में काम कर पाते हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, हमारी कंट्री पे जो सैंक्शन लगे हुए हैं वो सब हट जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी अच्छा होगा, तो हम लोग शांति की जिंदगी जी पाएंगे। तो इसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी थोड़ी बढ़ती हुई भी नजर आई, काफी डेवलपमेंट होता हुआ नजर आया, तो हसन रूहानी जी को यहां पर अच्छे से सपोर्ट किया गया जो इंटरनल कंट्री है उसमें। पर लेकिन जैसे ही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप पिक्चर में आए तो देखिए सब कुछ जो पासा इनके द्वारा फेंका गया था वो उल्टा पड़ गया और ये ईरान न्यूक्लियर डील से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए। अब जहां जो चीजों के लिए इतने लंबे समय से
जद्दोजहद की गई थी वही बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो जो ईरान रियाल है अगर बात की जाए और तेहरान है, दोनों ही खतरे में है यहाँ पर, करेंसी भी और यहाँ पर कैपिटल भी। आज की डेट में यहाँ पर पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ चुकी है। अगर देखा जाए 2015 में ये डील साइन की गई थी जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसको बोला गया था, ये ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अचीव करने से रोकता था और यही बातें यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। पर लेकिन देखिए ईरान तो न्यूक्लियर डील से बाहर नहीं निकला है, ईरान तो कंटिन्यूसली उसको फॉलो करके चल रहा है, फिर भी इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो किसको झेलना पड़ रहा है, ईरान को झेलना पड़ रहा है। यूएसए के ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहे हैं, यूएसए ने तो ऊपर से री इम्पोज कर दिए सैंक्शन ईरान के ऊपर। तो जो प्रेसिडेंट हसन रूहानी है उनको एक तो जो इंटरनल अपोजिशन झेलनी पड़ रही है बहुत ज्यादा, जो लोग पहले से कह रहे थे ईरान न्यूक्लियर डील में मत घुसो, ईरान न्यूक्लियर डील में मत घुसो, वो अब और ज्यादा उछल उछल कर वो बातें बोल रहे हैं कि हमने तो पहले ही बोला था ईरान न्यूक्लियर डील में मत घुसो। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग प्रिपरेशन करने आए हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यहां पर लोग कहेंगे हमने कहा था भैया मेहनत करता है सिलेक्शन हो ही जाएगा, अगर अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बोलेंगे हमने पहले कहा था पैसे बर्बाद मत करो, टाइम बर्बाद मत करो, ये काम मत करो, दूसरा काम करो, क्यों यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये दोनों तरीके के लोग आप लोगों को मिलेंगे जो कि जरा सी देर में पलट जाते हैं, वही कंडीशन यहां पर हसन रूहानी जी को इंटरनल अपनी कंट्री में झेलनी पड़ रही है। तो ये जो सिचुएशन है यहां पर, ये जो सैंक्शन अभी लगा दिए गए हैं ये सैंक्शन की वजह से है, प्रॉमिस किया गया था कि सैंक्शन हट जाएंगे, कंडीशन इकोनॉमी की अच्छी होगी पर नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रिलीफ मिला इकोनॉमी को पर लेकिन लंबे समय तक वो नहीं चल पाया। अब काफी कॉम्प्लेक्स पोजीशन ये सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है हसन रूहानी जी के सामने, क्योंकि देखिए मजबूर इनको होना पड़ गया ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकले हुए हैं वो तो अपने सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, पर लेकिन जो बची हुई P4+1 कंट्री बच गए जैसे कि ये यूके या फिर आप लोग बात कर लीजिए जो चाइना हो गया, रशिया हो गया और जो फ्रांस हो गया और बाकी जर्मनी, इनके द्वारा भी प्रॉपर कोई ऐसे अच्छे स्टेप उठाए नहीं जा रहे हैं कि कम से कम ये तो सोचे कि ये यूएसए बाहर निकला है कम से कम ये तो सपोर्ट करें, ये कंट्री भी यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो सैंक्शन में वेवर यानी कि छूट दे रखी थी 8 कंट्री को कि वो ऑयल खरीद सकते हैं ईरान से, अब वो भी 6 महीने 180 दिन के बाद में खत्म हो गई है और फर्स्ट वीक में बोला गया अभी सब कुछ यहां पर खत्म करने के लिए, ईरान से कोई भी ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा और इंडिया भी इसका एक पार्ट है जिसमें से वेवर अभी हटा दिया गया है। तो ये जो प्रेशर और ज्यादा इकोनॉमी पर पड़ रहा है ईरान की, ये और ज्यादा यहां पर जो ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन ईरान के अंदर खराब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हसन रूहानी जी के ऊपर चारों तरफ से एक प्रेशर आ गया कि यार अब कुछ करना पड़ेगा वरना इंटरनल और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ सकती है। तो इन्होंने क्या किया, एक अल्टीमेटम दे दिया 60 दिन का, अगर 60 दिन के अंदर आप लोग कोई सोल्यूशन निकालते हैं यानी कि जो बची हुई P4+1 कंट्री बच गई अगर वो कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो सही है, वरना ये अपना काम करने स्टार्ट कर देंगे यानी कि जो यूरेनियम को एनरिच करने स्टार्ट कर देंगे और इसी के साथ में ये अपना बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब जो भी इनका प्लान है वो स्टार्ट कर देंगे इंप्लीमेंट करना, और ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। 60 दिन की बात तो बोल दी गई इनके द्वारा कि हाँ 60 दिन के लिए देना है, पर लेकिन अगर ढंग से आप लोग एनालिसिस करेंगे तो इनका कोई पर्पज नहीं है ऐसा कुछ करना कि हाँ इस सिचुएशन को इतना खराब करना, इनका पर्पज बेसिक ये था कि जो लोग यहां पर शांत बैठे हुए हैं खासकर P4+1 कुछ स्टेप ही नहीं उठा रहे हैं, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाल रहे हैं, थोड़ा वो सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दें। पर लेकिन अगर यहां से जैसे ये बाहर निकलने की बात करते हैं, अगर यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कैलिब्रेट करके चले चीजों में, अगर उन्हें उसने करके भी चलाया यानी कि अगर ईरान से देखा जाए ईरान ने अब तक न्यूक्लियर डील से बाहर नहीं निकला है और यूएसए ही बाहर निकल के आया, तो ढंग से अगर देखा जाए तो एक तरीके से ईरान ने कोई गलती नहीं की है, तो यूएसए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। पर लेकिन अब भी अगर ईरान यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि उसको सांत्वना बरतनी चाहिए, उसको थोड़ा सा और धैर्य रखना चाहिए, अगर ईरान अभी बाहर निकलता है तो यूएसए यही तो चाह रहा है कि अगर ईरान बाहर निकल जाए यहां से और यूएसए को एक और मौका मिल जाए और ज्यादा यहां पर इसके ऊपर सैंक्शन लगाने का। अगर बात करें जो रिमेनिंग सिग्नेटरी है यानी कि P4+1 कंट्री की हम लोग बात करें अगर यहां पर, तो P4+1 कंट्री भी यहां पर कुछ तो काम कर रही है इनिशियल फेज में, जैसे कि वो क्या कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव सिस्टम ढूंढ रहे हैं। यूएसए का डॉलर यूज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में सामान खरीदने और बेचने के लिए, तो उसने मना कर दिया कि मेरा डॉलर यूज नहीं किया जाएगा, तो वो बार्टर सिस्टम ढूंढ रहे हैं, यहां पर बार्टर सिस्टम को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होता है बार्टर सिस्टम होता है, मान लीजिए आप लोगों के पास में आलू बोए आप लोगों ने खेतों में, ठीक है मैंने अपने खेतों में टमाटर बो रखे हैं, तो आप लोग बोले कि हम आपको टमाटर देते हैं आप हमको आलू बो दें आलू दे दें, तो उससे क्या होगा आलू टमाटर की सब्जी बन सकती है यहाँ पर आराम से, दोनों का मिलकर काम हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें जो एक इंसान को रिक्वायर है और सामने वाले को वो चीज बेचनी है और दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में बातें करके। हालांकि ज्यादा वाजिब सिस्टम नहीं है आज के डेट में क्योंकि करेंसी से मतलब आप लोग कुछ भी खरीद सकते हैं जब चाहे, पर लेकिन बार्टर सिस्टम यहाँ पर आज के डेट में यूज किया जा रहा है डॉलर को अवॉइड करने के लिए।
कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म यहाँ पर होनी चाहिए जो कि अब तक नहीं हो पाई है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये निकल कर आ रही है। दूसरी चीजों में तो बार्टर सिस्टम आप लोग यूज कर रहे हैं, पर लेकिन ऑयल जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है ईरान की इकोनॉमी पर, उसको इसके अंदर कवर ही नहीं किया गया है। तो ये और भी बड़ा यहाँ पर रीजन है कि ईरान ने 60 दिन की थ्रेड दे दी कि बाहर निकल जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये बाहर निकलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी अपनी चाल चल दी है। जो भी इसके द्वारा बॉम्बर है या स्क्वाड जो भी गल्फ एरिया में एयरक्राफ्ट कैरियर इसके द्वारा भेज दिए गए हैं कि अगर ईरान कुछ भी हरकतें करता है तो बॉम्बार्डमेंट करना उसके ऊपर स्टार्ट कर दो। अब देखने वाली कंडीशन यहां पर यह है कि किस हद तक सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। ईरान की अगर बात की जाए तो उसके फायदे में यही है कि कोऑपरेट करने की कोशिश करें जो रिमेनिंग यूरोपियन कंट्री हैं, उनको अपने साथ में बात करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो साथ में बात करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, खासकर इंटरनल डिप्लोमेसी का फेलियर भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत जद्दोजहद के बाद में ये डील पिक्चर में आई थी। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, ये टॉपिक को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब यहां पर आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जो भी अब तक आप लोगों ने डिस्कस किया है उसके बेस पर आंसर देने की। आइए अब आगे चलते हैं, आगे बात करें सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन आया जिसमें बोला गया है कि कोटा को नॉर्मली जो रिजर्वेशन दिया जाता है उससे बोला जाता है कि इफिशियंसी इफेक्ट होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये जो बात है यहां पर ये अभी रिजेक्ट कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्नाटक से रिलेटेड एक रिजल्ट निकल के आया, यहां पर एक केस का डिसीजन निकल के आया, उसमें यह बोला जाता था कि अगर रिजर्वेशन हम लोग देते हैं तो रिजर्वेशन देने से देखिए कई सारी प्रॉब्लम निकल के रहती हैं। अगर मान लीजिए किसी बंदे को रिजर्वेशन दिया और वो बंदा है आगे जाकर किसी डिपार्टमेंट में काम करता है तो वहां पर क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क नहीं रह पाती है। तो उसने अभी जो बात की है इसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अगर कैंडिडेट की बात करें, प्रमोशन की बात की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, तो ये भी तमाम मुद्दे यहां पर उनके लिए क्वांटिफाइबल डेटा की बात की जाती थी पहले स्टार्टिंग में। ये केस पहले भी आया था 2002 में, इस तरीके की बातें की गई थी। जजमेंट आया था यहाँ पर ये नागराज 2006 का, उसमें यहाँ पर डेटा अप टू द मार्क न होने की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर एक कमेटी सेटअप की बैकवर्डनेस को काउंट करने के लिए। जो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी रिप्रेजेंटेशन में सर्विसेज में, उसके सामने बात निकल कर आई कि हाँ कौन कौन सी कम्युनिटी की कितनी कमी है रिप्रेजेंटेशन में। अगर सर्विसेज में हम लोग बात करते हैं, क्या यहाँ पर रिजर्वेशन का इफिशियंसी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि अगर रिजर्व कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाता है तो क्या उसका कोई इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए ये तमाम मुद्दे पैरामीटर के बेस पर यहाँ पर काउंट किए गए। पहले यहाँ पर लिमिटेशन थी, यहाँ पर इंदिरा सानी केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा रिजर्वेशन को लेकर, जब ये बोला जाता था कि 10% रिजर्वेशन यहाँ पर हट जाएगा, तो वो भी तमाम मुद्दे यहां पर चले हुए आ रहे थे। तो वो तमाम मुद्दे अपनी जगह पर, लेकिन अभी जो क्लियर बात यहां पर की गई है, यहां पर कर्नाटक के द्वारा पहला जो ला था वो कैंसिल कर दिया गया, फिर से एक फ्रेश ला ये लेकर आए। अब की बार में इनके द्वारा अच्छे से डेटा इकट्ठा किया गया कि हाँ कैसे कन्विंस करना है अगर कोई कंडीशन बनती है। तो अभी जो डिसीजन निकल के आया उसमें ये बोला गया कि रिजर्वेशन जो SC ST को दिया जाता है, जो यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये कम्युनिटी की बैकवर्डनेस है। यानी कि अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं गरीब हूं। भैया वो गरीब है, उसकी प्रूफ करने की क्या जरूरत है उसको। जैसे बिल्कुल आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बार बार उसे प्रूफ मांग रहे हैं कि तू गरीब है बता। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए जो किन्नर कम्युनिटी है, यानी कि जो हिजरा कम्युनिटी है, उनको प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो हिजरा है, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, वो यहां पर बातें कुछ ऐसी बोलने देखने को मिल रही है। यानी कि क्वांटिफाइबल डेटा भी देखने को मिल रहा है, इन एडुकेसी जो बोली जा रही है रिप्रेजेंटेशन, खासकर जो सीट आज के भी खाली पड़ी रहती है, और इसी के साथ में ये इफिशियंसी की चेक की गई कि क्या यहां पर इफिशियंसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है रिजर्वेशन का। तो ये भी यहां पर नकार दिया गया कि ऐसा कुछ है नहीं इस तरीके की इंपैक्ट, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखोगे तो जो जिस तरीके से सप्रेस किया गया पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर इस तरीके की बातें आप लोग नहीं बोल सकते कि हाँ इस तरीके से इफिशियंसी यहां पर खत्म हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं। एक तो देखिए होता है यहां पर, अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखेंगे डे बाय डे की परफॉर्मेंस कैसी है, एक होता है गोल कैसे अचीव किया जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे गोल अचीव करना है ना, अगर डे बाय डे की परफॉर्मेंस के ऊपर ही आप लोग टिके रहेंगे और गोल अचीव नहीं करें तो कोई मतलब नहीं है। मतलब दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर बात करें फॉर्मल इक्वलिटी की, अपॉर्चुनिटी की, तो वो तो आप लोग देखते हैं, पर लेकिन पर्याप्त समानता देखने को नहीं मिलती है। अगर एक ऑफिस की बात कर लीजिए, SC ST कम्युनिटी की बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी रहती है, बहुत सारी आज के में रिजर्वेशन होते हुए भी कंप्लीट उनका जो रिजर्वेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, ये प्रॉब्लम यहां पर निकल के आती है। यानी कि पर्याप्त समानता बोली जा रही है इतने लंबे समय से। रिजर्वेशन दिया गया था स्टार्टिंग में, ये बोला गया था कि रिजर्वेशन दो और 10-12 साल के अंदर अंदर सिचुएशन को हैंडल किया जाए जब हमारी कंट्री आजाद हुई, पर लेकिन आज तक भी उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया गया है अपनी वोट अपना वोट बैंक गेन करने के लिए। उसके अलावा और उसको कोई भी जनता तक पहुंचता हुआ वो नजर नहीं आ रहा है, अगर ढंग से देखा जाए तो। बाद में भी हम लोग ये देख चुके हैं लेजिस्लेटिव और जुडिशियली जो इंटरप्रिटेशन है, आप बार बार दोनों के बीच में यहां पर रस्साकसी देखने को इसको लेकर मिलती है। पर लेकिन अगर आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे, एक साइड में यहां पर सुप्रीम कोर्ट और एक साइड में यहां पर गवर्नमेंट, अगर कोई भी सेंटर में गवर्नमेंट क्यों ना हो,
सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक सकारात्मक कार्रवाई की बात करता है, जो चीजें रिक्वायर है उसकी बात करते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया उसको कि ये सही नहीं है। अगर बात करें यहां पर, देखिए अगर बात करें गवर्नमेंट की, पहले बात करिए कांग्रेस की, कांग्रेस ने क्या किया उस टाइम पर रिजर्वेशन देने की बात की एट द एंड ऑफ द डे, जब 2014 के इलेक्शन की बात की जा रही थी, ठीक है। ऐसा ही काम तो था 19 के इलेक्शन से पहले, जस्ट बीजेपी ने किया, उन्होंने भी रिजर्वेशन दे डाला। तो ये जो तरीका है रिजर्वेशन देने का, बिल्कुल इलेक्शन से पहले 4 साल में 5 साल में पूरा आप लोग की आंखें नहीं खुली, आप लोग एकदम तभी याद आ रहा है 2014 में कांग्रेस को और 2019 में बीजेपी को, तो ये गलत तरीका है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा सकारात्मक चीजें देखता है, क्या सही है और क्या गलत है, और किसी को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम एससी और एसटी हैं और इस तरीके से ये कंडीशन है, तो ये सब गलत तरीका है। तो एक अच्छा जजमेंट यहां पर बोला जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो क्राइटेरिया होता है वो इसको, जो हमारा संविधान है उसको ध्यान में रखते हुए सारी बातें यहां पर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात यहां पर करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, यानी कि हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन की जरूरत है आज की डेट में, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है। एक साइड में डेवलपमेंट है, यानी कि बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, और दूसरी साइड में फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो उसी के बारे में बात यहां पर की जा रही है। तो देखने को कंडीशन ये मिलेगी कि जो फास्टर अर्बेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो लोग हैं आज के डेट में वो गांव से निकलकर शहरों में जा रहे हैं, सिटीज में। रीजन क्या है? फैसिलिटी अच्छी मिलती है वहां पर, अगर मेडिकल की बात करें वहां पर मेडिकल जो सर्विसेज है वो अच्छी मिलती है, एजुकेशन अच्छा मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिलती है, जो आने जाने के लिए संसाधन है वो अच्छा मिलता है वहां पर, सब चीजें वहां पर अवेलेबल रहती है, जो कि खासकर एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है जिनकी जरूरत पड़ती है वो अवेलेबल रहती है। इसलिए अर्बेनाइजेशन काफी मेजर प्रॉब्लम आज के में ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुकी है, और इसी के चलते जो अर्बेनाइजेशन होता है वो फॉरेस्ट जो है वो काटा जाता है, ये प्रॉब्लम काफी निकल कर आती है। यानी कि जो सिटीज हैं आज के में वो इतने लार्ज स्केल में बढ़ चुकी हैं, फॉरेस्ट वाले एरिया में घुस चुकी हैं। यानी कि मान लीजिए पहले यहां पर एक फॉरेस्ट हुआ करता था और ये कोई छोटी सी सिटी थी, आज के डेट में ये सिटी बढ़ चुकी है और फॉरेस्ट ये हो चुका है, दोनों का सिचुएशन चेंज हो चुकी है। यानी कि इतने ज्यादा जो आज के डेट में हम लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, नेक्स्ट आने वाले 10 सालों में ये बोला जा रहा है कि हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को अगर इसी पैटर्न पर चलते रहे। गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और बैंगलोर, ये कुछ ऐसी सिटी है जो आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर एनक्रोचमेंट कर चुकी है, रोड डेवलपमेंट, हाईवे, लोकल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको खत्म कर चुके हैं, वाटर कंटेमिनेटेड हो चुके हैं, और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ये सिटीज आज के डेट में झेल रही है, और आने वाले टाइम में ये बहुत सारी सिटीज की प्रॉब्लम होने वाली है अगर जिस पैटर्न पर चलते रहे हैं उसी पैटर्न पर हम लोग आगे भी चल रहे। तो क्रिटिकली अगर हम लोग बात करें यहां पर, देखें जो हैबिटेट है, खासकर जो रहने की जगह है, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में सुना भी होगा कि कई सारे जो टाइगर वगैरह हैं वो बाहर निकल कर रह रहे हैं अपने रहने की जगह से, और जो लोगों के रहने के एरिया में आकर वो क्या कर रहे हैं वहां पर, वो जनता के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है बहुत लार्ज स्केल पर, तो किस तरीके से उसको आप लोग हैंडल कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को इसके ऊपर स्टेप उठाकर चलना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है आज के डेट में जो सिटीज हैं और जो फॉरेस्ट है उनके बीच में। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, कोई भी इसको ढंग से काउंट करके नहीं चल रहा है, ना तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ना ही फॉरेस्ट पॉलिसी जो नहीं अभी निकल कर आई 2018 में, कोई भी इसके बारे में ढंग से बात ही नहीं कर रहा है, इसको सब इग्नोर कर रहे हैं यहां पर, जो कि खतरनाक सिचुएशन है यहां पर। यही तो चीजें हैं जो यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल कर चलेगी। अर्बन प्लानिंग और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप लोग बात करते हैं, तो फॉरेस्ट अगर बात करें यहां पर वो सोक ऑब्जर्वर होते हैं, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं, जैसे कि मान लीजिए गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो फॉरेस्ट यहां पर वो रोल प्ले करते हैं। क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो फॉरेस्ट काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे, एक ढाल बन जाते हैं। अर्बन जो इश्यू है एयर पोल्यूशन का, उसमें फॉरेस्ट रोल प्ले करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि बारिश वगैरह होगी, वो भी फॉरेस्ट काफी बड़ा रोल प्लेंगे। फ्लड कंट्रोल का काम करते हैं, हीट आइलैंड बन जाता है तो फॉरेस्ट काम करते हैं। फॉरेस्ट जो घटते जा रहे हैं उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम यहां पर होती आ रही है, और इसी के चलते अगर हम लोग अपना जो डिजाइन लेकर चल रहे हैं उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो ये काफी गलत प्रॉब्लम यहां पर पड़ेगा, काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सिटी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को यहां पर कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी कि काउंट कर चला जाए यहां पर इस तरीके की सिचुएशन को, यानी कि अगर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम लोग समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो कैसे सोल्यूशन हम लोग इसका यहां पर निकाल पाएंगे। अगर बात करें रिसेंटली जो अभी बात की जा रही है, इकोनॉमिक सेंसिटिव जो जोन है, वो इको सेंसिटिव जो जोन है, खासकर वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर बात की जाती है कि स्टीप रहती है, जो आइसोलेट करते हैं जो यहां पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और सस्टेन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में आते हैं सस्टेन रखने के लिए चीजों को, आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार क्रिएट कर दी। मान लीजिए आप लोगों के पास में 10 लाख रुपए हैं जो कि आप लोग खर्च करने हैं, ठीक है,
पर लेकिन आप लोगों ने बैकग्राउंड में कुछ ऐसे 1 लाख रुपए रख रखे हैं कि ये खर्च नहीं करने, ये हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए रहेंगे अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो वो रहता है, यानी कि बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा है पर लेकिन साथ में कुछ ऐसी कंडीशन भी बन रही है कि अगर अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो अपना सर्वाइवल कैसे करना है ये भी हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो वो तमाम मुद्दे यहाँ पर निकल कर आते हैं, तो उसके बारे में बात करने की बात की जा रही है। अगर इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो बेसिक कंडीशन अगर देखकर चला जाए तो इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन यहाँ पर होना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज और सिविल सोसाइटीज सबको मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए और कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी चाहिए ताकि एक बफर भी बीच में बनता रहे। यानी कि मान लीजिए बफर क्या होता है, एक तरीके से जैसे चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल, ठीक है ना, इसी तरीके से आप लोग मंगोलिया बोल सकते हैं रसिया के बीच में और जो चाइना है उसके बीच में, तो ये एक तरीके से बफर स्टेट हो जाता है, बीच में कहीं ना कहीं लड़ने से भी रोकता है, एक गैप थोड़ा बना देता है। तो इस तरह कुछ ना कुछ गैप आप लोगों को रखना पड़ेगा, विवेक से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी अपनी जगह रिक्वायरमेंट है, पर लेकिन क्या आप लोग डेवलपमेंट ऐसा करेंगे कि जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं टहनी पर उसी पेड़ की टहनी को काटते जा रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता वाला काम कोई हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप लोगों को सोचकर चलना पड़ेगा, सॉफ्ट फेंसिंग आप लोग करनी पड़ेगी, अर्बन मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, इसी के चलते आप लोगों को पूरी एक गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ग्रीन बेल्ट होना चाहिए सिक्योर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के साथ साथ में, इसी के साथ में जो नेचुरल लैंडस्केप है उसके ऊपर फोकस देकर आप लोग चल सकते हैं कि कैसे सोसाइटी को इसमें इंक्लूड करके चला जा सकता है, खासकर प्रॉपर फॉरेस्ट पॉलिसी यहां पर आए और किस तरीके सिटीज को भी उसमें इंक्लूड करके चला जाए, वो तमाम मुद्दे आप लोग यहां पर लेकर चलने पड़ेंगे। यानी कि जो आज के में आप लोग चाहते हैं ग्रीनरी रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे, ये सारी चीजों के लिए आप लोगों को सेंसिटिव करना पड़ेगा सिटीजन को भी और अपना आप भी सेंसिटिव होना पड़ेगा और सिटीजन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आप लोग फ्यूचर पॉलिसीज को यहां पर सेफ दे पाएंगे, एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग वो भी गवर्नमेंट्स और यहां पर खासकर जो लोकल जनता है उसको एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा अगर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। यानी कि फिर से बोलूं तो क्लस्टर अप्रोच लेकर आप लोगों को चलनी पड़ेगी सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये बोला जा रहा है मोटी मोटे तौर पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारी कंट्री की जीडीपी के बारे में बात करता है। अगर जीडीपी आप लोगों से कोई पूछे क्या होती है तो किसी पर्टिकुलर प्री डिफाइंड टाइम, जैसे कि एक साल के अंदर हम लोग बोल देते हैं किसी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री, यानी कि जैसे हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस यहां पर की जा रही है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पर कई सारे ऐसे वेग डेटा भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, यानी कि झूठ फैलाया जाता है, उसकी वजह से एग्जैक्ट हम लोग को जीडीपी का डेटा यहां पर नहीं मिल पाते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, जो खासकर जो कंपनीज है, बहुत सारी ऐसी कंपनी आज की डेट में हो चुकी है जो कि वेग कंपनी है, यानी कि ना तो उनके बारे में पता है और इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रखी है दुनिया भर की फेक आज के डेट में यहां पर हमारी कंट्री में जो कंपनी चल रही है, तो उसकी वजह से जो डेटा निकल कर आता है और उस डेटा से जो जीडीपी तैयार होती है वो एक्यूरेट जीडीपी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर डेटा अवेलेबल ही नहीं है और आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर बात करें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, यानी कि एक साइड में तो हो गया प्रॉपर बैंक, स्कूल, ये सारा सिस्टम हो गया जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक साइड में हो गया रेडी लगाने वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, ये जो बार बार संडे मार्केट लगती है, ये सब चीजें, इनमें कहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कहां पर क्या जा रहा है, कितना खपत हो रही है, उसका ढंग से हमारे पास में डेटा नहीं होता है और फिर भी हमारी जीडीपी तैयार होती है और मैक्सिमम जनता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। तो इसलिए कहने के लिए जो जीडीपी हमारी देखने को मिलती है ना वो एग्जैक्टली रियल जीडीपी नहीं होती है, जो कि ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन अगर काउंट करेंगे जहां से रियल जीडीपी निकल कर आनी चाहिए। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है कि अगर आप लोग रियल जीडीपी चाहते हैं तो सारा डेटा यहां पर आप लोगों को ढंग से करना पड़ेगा, जो फेक कंपनी है ये सारी जो चीजें जो प्रॉफिट ये दिखाते हैं, कितना ये टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए प्रॉपर आप लोगों के पास में गाइडलाइन होनी चाहिए, प्रॉपर डेटा होना चाहिए, तभी आप लोग जाकर एक एक्यूरेट जीडीपी यहां पर निकाल पाएंगे। तो ये मोटा मोटा तौर पर इस आर्टिकल का जिस्ट है। नेक्स्ट जो डेटा की बात की जा रही है यहाँ पर, ये डेटा है आप लोगों के सामने मोटे मोटे तौर पर, यहाँ पर ये बता रहा है हमारी कंट्री में, आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया कि बिलो जो यहाँ पर मॉनसून रहने वाली है, बिलो नॉर्मल मॉनसून रहने वाली है, यानी कि जैसा मॉनसून होना चाहिए वैसा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते डेटा है यहाँ पर, ये मार्च 1 से मई 8 तक का है और ये मार्च 1 से मई 8 तक का जो एक्यूट और नॉर्मल जो मॉनसून के बारे में बात करें उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि ये जो डेटा है यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके की हमारी कंट्री में मॉनसून देखने को मिल रही है। ये जो यहाँ पर डेटा है ये डिवीजन वाइज डेटा है और ये है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा। तो यहाँ पर बातें की जा रही है कहाँ कहाँ पर किस तरीके का रेनफॉल रहने वाला है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग ये याद रखिएगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो अभी वार्निंग दी गई है उसमें ये बोला गया है कि जो मॉनसून है यहाँ पर वो बिलो नॉर्मल रहने वाला है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो एग्रीकल्चर है वो काफी इंपैक्ट में आने वाली है, उसी की वजह से हमारी इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ने वाला है और ये तमाम मुद्दा खासकर जहां पर सूखा पड़ रहा है, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, वो तमाम मुद्दे भी आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी देखने को मिले यहाँ पर 6th फेज के इलेक्शन, तो 63.5 यहाँ पर टर्नआउट रहा जो कि पहले के कंपेयर में
थोड़ा सा कम यहां पर देखने को मिल रहा है। 2014 में जो था यहां पर 63.67 था, तो हल्का सा कम यहां पर हो गया, जो कि इसके कंपेयर में अगर आप लोग देखते हैं तो। कहां कहां पर हुआ? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में यहां पर इलेक्शन देखने को मिले। दिल्ली में 7 की 7 सीट पर इलेक्शन यहां पर छठे फेज में आप लोगों के सामने निकल कर आए। आगे जो बात की जा रही है यह है अजय कुमार, इनके द्वारा एक सारंगी यानी कि वायलिन यहां पर बनाया गया है जो कि काफी छोटा है, और इसकी वजह से यहां पर इनको जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज यहां पर करा दिया गया है। 20 मिलीमीटर की लेंथ यहां पर है इसकी और 0.74 मिलीग्राम गोल्ड यूज किया गया है। 12 घंटे करीब लगे टोटल इनको इसको बनाने में, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आगे बात की जाए वोटर की, तो काफी अच्छे से यहां पर लोगों के द्वारा वोट किया गया। लगभग 47 जो लोग हैं आप वो 100 से ज्यादा एज के थे जिनके द्वारा वोट किया गया, और यहां पर बच्चन सिंह जी का नाम है जो कि 111 साल के हो चुके हैं और वोट डालने यहां पर गए हैं। तो बोला गया है वोट जो एज है वो जस्ट एक नंबर है, अगर इंसान चाहे तो एक तरीके से एज को टैकल करके चल सकता है। श्रीलंकन अथॉरिटी के द्वारा यहां पर अरेस्ट किया गया है एक पर्सन को जो कि सऊदी अरेबिया का एजुकेटर स्कॉलर है, जिसके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया जो बम्बार्डमेंट करने में श्रीलंका के अंदर। वोटर टर्नआउट जो खासकर दिल्ली का देखने को मिला ये कम हो गया, यहां पर 65 हुआ करता था जो कि अब 60 पे पहुंच गया, यानी कि लोग दिल्ली के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जो कि हमारी कंट्री की कैपिटल भी है, तो काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। नवीन पटनायक जो कि आज के डेट में चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, उनके द्वारा बोला गया है कि यहां पर जो स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए राज्य को, और इसी के चलते यहां पर पहले बिहार के द्वारा डिमांड की गई थी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के द्वारा डिमांड की गई स्पेशल स्टेटस कैटेगरी। तो ये अब की बार के प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्या होता है स्पेशल स्टेटस कैटेगरी, किस किस राज्य को हमारी कंट्री में दे रखा है, आखिर अब इसको क्यों नहीं दे रखा है, कहां से ये निकल के आया, तो इसके बारे में टोटल डिटेल में एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग आसानी से उसको देख सकें, और या फिर टेलीग्राम पर भी उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सिंह जो यहां पर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले टाइम में जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसमें यहां पर बात की जाए, ये जापान के अंदर होने वाली है G20 की मीटिंग, ठीक है ना, तो उसमें देखते हैं बात होती है या नहीं होती है। पाकिस्तान को बोला गया है कि 6 बिलियन का IMF यहां पर लोन देने वाला है आने वाले 3 साल में अपनी खस्ता हालत को सुधारने के लिए, तो देखते हैं कितनी खस्ता हालत सुधरती है और क्या सिचुएशन होती है। सर्बिया के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, यह है कंट्री जो कि आप लोगों के सामने है यहाँ पर। अगर आप लोग इंडिया के कंपेयर में इसको देखते हैं एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए, ये यहां पर देखिए ये हो गया यहां पर सर्बिया, ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं यूरोप के अंदर एक कंट्री है। अगर अपनी कंट्री कंपेयर में देखते हैं तो वहां पर सर्बिया हो गया, और यहां पर देखिए हो गया सर्बिया और ये हो गया इंडिया, तो दोनों में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग इसको निहार सकते हैं। अब बात करें सर्बियन दिनार यहां पर इसकी करेंसी है, और यहां पर बेलग्रेड इसकी कैपिटल है, और ये सारी जो आप लोग देखते हैं यहां पर एड्रियाटिक सी हो गया, और ये आसपास में सारी कंट्री है जो कि यहां पर इसके बॉर्डर को टच करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं, ये हो गया इसका फ्लैग। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। बात की जा रही है यहां पर यूरोपियन कंट्री जिस तरीके से काम कर रही है मिलकर यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा सिस्टम यहां पर ईरान के साथ में वो यूज कर रही है डॉलर को अवॉइड करने के लिए, ये आप लोगों को बताना है। स्मार्ट सिटी और एक और प्रोग्राम यहां पर है जो कि टैकल करने में नहीं सक्सेस हो पा रहा है चैलेंज, खासकर अर्बनाइजेशन एक्सपेंशन जो हो रहा है और खासकर जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम जो निकल कर आ रही है। जो बात की जाती है यहां पर इको सेंसिटिव जोन के बारे में, तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर इसको टैकल करके चलती है ये आप लोगों को बताना है। उस पर्सनैलिटी का नाम बताइए जिनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया अभी एक वोलन यानी कि सारंगी बनाने के लिए। बात की जा रही है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप मिलने की बात कर रहे हैं, तो ये जो मीटिंग है ये होने वाली है G20 की, कहां पर किस कंट्री में, जिसकी जो टाइम है ये 28 से 29 जून तक चलने वाली है। पाकिस्तान को अभी लोन दिया गया 6 बिलियन का, किसके द्वारा यहां पर ये लोन दिया गया, ये क्वेश्चन या तो आप लोगों के डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या फिर ये स्टेटमेंट की बेस पर आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर है वो आप लोग क्वेश्चन वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये था टोटल आज का डिस्कशन, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे और वहीं से आप लोग PDF भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।